तो दोस्तों, अगर आपका भी नया नया YouTube चैनल हो और आप भी अगर यही गलतियाँ, यही एक छोटी सी गलती अपने YouTube चैनल के साथ करते हो, तो जो नया नया YouTube चैनल है वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा, वो चैनल डेड हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, उस चैनल पे व्यूज़ आएंगे ही नहीं। वो एक छोटी सी बात, वो क्या है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। सो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अनूप रावत और आप देख रहे हैं जिम मोर ऑफिशियल। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों तक ऐसी वीडियो बिल्कुल आती रहेगी। तो जब भी कोई नया एक यूट्यूब चैनल होता है तो उस टाइम पर हमारे पास ना ही सब्सक्राइबर होते हैं, ना ही व्यूअर्स होते हैं। जब भी हम कोई एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर ना ही व्यूज़ आते हैं और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उससे। तो हम जैसे कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं सोच सोच कर कि यार क्या होगा, आखिर कैसे व्यूज़ आएंगे, कैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो उस चक्कर में हम एक छोटी सी गलती करते हैं। आजकल जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है वो ये है कि टेलीग्राम पे भी ऐसे ग्रुप बने हुए, फेसबुक पे भी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर लोग सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर वाला गेम खेलते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आप दूसरों का चैनल सब्सक्राइब करूंगा, लोग एक दूसरे को लिंक भेज के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। उससे पता आपको कितना बड़ा नुकसान होता है, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, आपका चैनल उससे बिल्कुल डाउन हो जाएगा, आपका चैनल ग्रो कर ही नहीं पाएगा। वो इस वजह से, क्योंकि उससे होता ये है, अगर आप इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर अगर बढ़ा भी लेते हैं, अगर आपके मान लीजिए 100 बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं, लेकिन वो रियल सब्सक्राइबर नहीं हैं, और आप एक टाइम पे अगर वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद वो लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ, वो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपके उस वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आएंगे, ना ही जो यूट्यूब है आपकी वीडियोज़ को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सर्च करवाएगा, क्योंकि जो आपके जो सब्सक्राइबर है वो रियल नहीं है। जब व्यूज़ उस पर आएंगे नहीं तो यूट्यूब ऑब्वियसली सी बात है कुछ न कुछ कमी आपके चैनल वीडियोज़ पे निकाल देगा, जिससे आपका जो जो वीडियो है वो सर्च बार में नहीं जा पाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये होती है कि सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर करके अगर हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ा भी लेते हैं, मान लीजिए अगर मेरे 20 सब्सक्राइबर है और ये सब चीज़ करके मैं उसे 30 35 40 तक कर भी लेता हूँ, और कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है एक घंटे बाद दो घंटे बाद वापस से सब्सक्राइबर 20 25 पे आके अटक जाते हैं, लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो उस चीज़ का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ता है। यूट्यूब चैनल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इससे आपका जो चैनल है वो डेड होने की कगार पर आ जाएगा और आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे उस पर। तो सबसे बेटर ऑप्शन है भाइयों ये है कि आपको अपना खुद का वीडियो बनाना है, वीडियो बनाते रहिए। अगर आपके 20 सब्सक्राइबर भी हैं और उस वीडियो पे अगर 50 व्यूज़ भी आते हैं तो ये सोचिए, ये मान के चलिए कि इनफ है, जितने सब्सक्राइबर हैं कम से कम वो लोग तो देख रहे हैं उस वीडियो को। ऐसे ही करके आप वीडियोस बनाते रहिए, रेगुलर वीडियोस बनाते अपलोड करते रहिए, एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा आपकी एक ना एक वीडियो वायरल ज़रूर होगी और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यू टाइम भी बढ़ेगा। ऐसे करके आप अपना जो जो सब मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर वाली जो गेम खेलते हैं और उससे अगर सब चीज़ को पूरा करना चाहते हो तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप अपने ही चैनल को अपने खुद के हाथों से डेड कर दोगे। ये सब चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें और अपने खुद के चैनल पे खुद का कंटेंट डालिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डालिए, टेक वाली वीडियोस डालिए, ताकि आपका चैनल खुद से ग्रो हो, ना कि किसी दूसरे के बलबूते पे। इसमें आपकी YouTube खुद हेल्प करता है। सो गाइज, अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।